क्रिकेट टीम बनाना ज्यादा जरूरी है या फिर कोई और वजह है सर जो पाकिस्तान को कुछ ताकतें हैं जो अनस्टेबल करना चाहती हैं हमेशा इंडिया की तरह हम जानते हैं, आप इसके ऊपर क्या तजिया देंगे ब्रिगेडियर साहब? जी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस इशू को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। महीना भी नहीं हुआ तो वफाकी वज़ीर दाखला ने क्या किस तरफ करना या उनकी तरजीहात, तो ज़ाहिर है भी थोड़ा टाइम लगता है। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जहाँ पर जमहूरियत अमूमन आपको पता है कि मद्दोजर का ही शिकार रहती है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट एक आई है, अभी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के आने से मुल्क में अनसर्टेनिटी खत्म होगी, कुछ चीजें बेहतर होंगी, कारोबारी जिंदगी बेहतर होगा, मईशत बेहतर होगी, लोगों के मसाइल हल होंगे, और इस टेक ऑफ स्टेज के ऊपर जो हमारे दुश्मन है यही उनके लिए एक बेस्ट टाइम है कि पाकिस्तान जब टेक ऑफ कर रहा है, जब किसी भी मुल्क में इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो लोगों की उम्मीदें काफी हद तक उस गवर्नमेंट से मरकूज हो जाती हैं, गवर्नमेंट से बंध जाती हैं। तो इस स्टेज के ऊपर अभी आप देखें जो टारगेट वो कर रहे हैं, चाइनीज को टारगेट किया, सीपैक मुतासिर हो, ग्वादर को टारगेट किया, बलूचिस्तान के साहली इलाकों में, चाहे वो तुर्बत की कल आप बात कर रहे हैं, अटैक की बात कर रहे हैं, ये हमारे जो पुराने फाटक इलाके हैं वहां पर उनको टारगेट किया। कराची पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक हब है, कराची में अगर आप स्ट्रीट क्राइम्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट टेक ऑफ करने से पहले ही इस तरह के मसाइल पैदा किए जाए, दुश्मनों की एक बड़ी वाजे सर, सिंध में कमाल डाकू राज है इस वक्त सर, बड़े अरसे बाद ऐसा डाकू राज देखा है सिंध में हमने। जी वही आपको मैं कह रहा हूँ कि डाकू राज भी, डाकुओं का इशू सिंध में कोई नया नहीं है, बहुत 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 अरसे से सर बड़ी लहर आई है, मोटरवे के ऊपर वारदातें शुरू हो गई सर, सक्कर मुल्तान उसके ऊपर चढ़ा है डाकू, गोलियां चलाना शुरू हो गए शहरियों के ऊपर, ये पहले नहीं हुआ था सर। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि उसका रीजन बेसिकली यही है कि मुल्क के अंदर एक हिजान सी की कैफियत जारी रहे और उसी में दुश्मनों का फायदा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें बहसीयत कौम थोड़ा सा इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, मीडिया पे भी ये चीजें जब हम बयान करते हैं और इसमें अगर आप फेक न्यूज का कल्चर देख लें, सोशल मीडिया पे जो कुछ चल रहा है, अदारों को टारगेट करो, वो अदारे जो पाकिस्तान की सलामती के जामिन है उनको टारगेट करो, जुडिशरी को टारगेट करो, ये सारा एक वेल लेड आउट, वेल एस्टैब्लिश, वेल थॉट आउट एक स्ट्रेटजी है जिसके मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ अचानक से नहीं हो रहा या कुछ ये ऐसे नहीं हो रहा कि आप आइसोलेशन में सब कुछ हो रहा है, वेल कोऑर्डिनेटेड है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन रखना चाहिए अपने सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, अपने दूसरे इदारों के ऊपर, और मेरा ख्याल है अगर हम इन चीजों को का दराक रखें जो कि बहुत सारे लोगों को है, हर कोई रिस्पॉन्सिबल अपना रोल प्ले करे और आइंदा आने वाले दिनों में चीजें बेहतर हो सकती हैं, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि चीजें आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर होंगी, बिकॉज जब चीजें ये बेहतर होंगी तो तभी मुल्क के अंदर सिचुएशन ठीक होगी। तो हमें यकीन रखना चाहिए, और आपकी बात ठीक है, एक तशवीश की बात डेफिनेटली है, बट अगर डिटर्मिनेशन हो, तमाम अदारों की कोऑर्डिनेशन हो, नीयत ठीक हो, जो कि ज़ाहिरन ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप देखें चारों सूबों में गवर्नमेंट्स हैं और स्टेबल गवर्नमेंट है, बशमूल केपी के तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स स्टेबल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स हैं, बल्कि पंजाब बलोचिस्तान पंजाब सिंध और केपी में तो कोलेशन गवर्नमेंट भी नहीं है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट्स है, सिर्फ बलोचिस्तान में कोलेशन गवर्नमेंट है, वफाक में जो गवर्नमेंट है स्ट्रॉन्ग कोलेशन नहीं है। सर बहुत जरूरी है, ठीक है हम जानते हैं सर हमारे अस्करी इदारे चाको चौबंद हैं, 24 घंटे हम वक्त हमारी हिफाजत के लिए और कुर्बानियां हमेशा देते हैं पाकिस्तान की खातिर, कौम की खातिर, लेकिन सर जो हमारे सिविलियन गवर्नमेंट है, वजारत दाखला और वजारत खारजा, हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी होम मिनिस्ट्री जो है सर, अगर ये दोनों वजारतें एक पेज पर ना हों और एक वेव लेंथ पे ना हो ब्रिगेडियर साहब तो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए सर हम जानते हैं हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बड़ा हाथ अफगानिस्तान का है, जहां से भारत अपने पैसे लगाता है, दहशतगर्द हायर करता है, खरीदता है पाकिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए, हम सर अपनी फॉरेन पॉलिसी को नहीं इंप्रूव कर पाए कि हम अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करें। इनफैक्ट अभी दो दिन के दौरे पर हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स गए हैं लेकिन सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स नहीं गए सर, शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि दोनों का साथ जाना बहुत अच्छा एक अच्छी निशानी होती। आप समझते हैं कि सर हमारी जो गवर्नमेंट है स्पेशली हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री और हमारा होम मिनिस्ट्री सर, क्योंकि होम मिनिस्ट्री वाले साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं सर वो पीसीबी के अंदर ही बड़ा मसरूफ रहते हैं, डोंट यू थिंक दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन एज वेल सर, उनका भी किरदार है जो वो अदा नहीं कर पाए, फेल हुए हैं, जिसकी वजह से हालात इस कदर इस तरफ जा रहे हैं? नहीं बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन तो बहुत जरूरी है फॉरेन ऑफिस की भी और इंटीरियर मिनिस्टर की, स्पेशली जब अफगानिस्तान की बात करें, बिकॉज अफगानिस्तान का डायरेक्ट इफेक्ट आता है हमारे बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में, स्पेशली वॉर एंड ऑर्डर उनका फेलियर है ब्रिगेडियर साहब, नाकाम हो गए वो। नहीं, मैं फेलियर मैं स्टेट वे इसलिए नहीं कहता हूँ, देखिए अभी दोनों गवर्नमेंट को बने हुए तो महीना भी नहीं हुआ,
अभी 20 डेज की गवर्नमेंट में या 20 डेज के मिनिस्टर से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी आइडियल कोऑर्डिनेशन हो? मेरे ख्याल कुछ स्पेस देनी चाहिए सर। सर 9 महीने तक सर काकड़ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे सर, दुनिया के 8-10 मुल्क उन्होंने घूमे, अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं थी सर, उन्हें पश्तो आती थी शायद इसलिए नहीं गए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के इश्यूज और है, सिर्फ पश्तों की बात नहीं है, अफगानिस्तान के इश्यूज और है। इनार अब्बानी खान साहिबा चली गई थी ना उस वक्त, वो तो लोग हंस पड़े थे कि ये क्या किया। जितना पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया अभी भी, और आपने जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात की है, ये विजिट ऐसे नहीं है, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि पीपल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अवाम, उनके लोगों के हम आज भी दोस्त हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, हम आइसोलेट करना चाहते हैं उन ग्रुप्स को जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर रह के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं करते हैं। अफगानिस्तान के टेरर को बार बार हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी पॉलिसी उस एंगल से भी देखनी चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, आप इस मुल्क का एक बहुत अहम हिस्सा है, आपने पूरी जिंदगी इस मुल्क की खिदमत की है सर। आप आज जब अपने नेशनल टेलीविजन पे देखते हैं कि कोई सियासतदान अपने बच्चों की फीस माफ कराना चाहता है और नेशनल इशू बन जाता है, कोई खातून स्विमिंग करने जाती है उनकी जेवर चोरी हो जाते हैं नेशनल इशू बन जाता है, वीडियो वायरल होती हैं जी कि एक एमपीए को पंजाब में रोक लिया गया काले शीशे के ऊपर, उसने पुलिस वाले की तरफ चित्रौल कर दी, कोई कुछ नहीं कह पाता, नेशनल इशू बन जाता है। आजकल हमारे मुल्क में कुछ रिडिकुलस नेशनल इशूज नहीं बन रहे ब्रिगेडियर साहब? बिल्कुल बन रहे, मैं आपको इत्तेफाक करता हूँ। आज जितने तीनों वाकयात आपने कहे ये नहीं होने चाहिए, इसको सपोर्ट कोई नहीं करता, बट क्या ये इतने बड़े वाकयात हैं कि आप मीडिया पे 24 घंटे और प्राइम टाइम में इन्हीं वाकयात को डिस्कस करते रहो? इंपॉर्टेंट इश्यूज जिनका आपने अभी तक जिक्र किया जो कि बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस ना करें? आपके पास इत्तेफाक करता हूँ, हमें अपनी प्रायोरिटीज को भी ठीक करना चाहिए, इन इश्यूज को हाईलाइट जरूर करें, बट सिर्फ इन्हीं को हाईलाइट ना करते रहे, सिर्फ आप एक पॉलिटिकल बैकलैशिंग के ऊपर या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर, ये हमें सोचने की बात है, बिकॉज आपने हाईलाइट कर दिया और आपने देखा होगा तीनों इश्यूज के ऊपर रिबटल भी आया, रिएक्शन भी आया, और सीएम के लेवल तक ने उनका एक्शन भी लिया है, उनको जो कुछ होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव चीज है। मीडिया ने हाईलाइट किया, गवर्नमेंट के तक पहुंचा, उसकी किसी ने भी ताइद नहीं की, और उन जो भी एक्शन हो सकता था कुछ किया, कुछ इन प्रोसेस। सर पहले तो वो कह रहे थे कि प्रिंसिपल की 40 लाख की तनख्वाह की तहकीकात होगी, उसे फारिग करेंगे, और फिर जब प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया तो फिर माजरत करने लगे कि नहीं इस्तीफा वापस ले लें। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रिगेडियर साहब, बिफोर आई लेट यू गो सर, अब एक खबर एक मेरी नजर से गुजरी जिसको देख के मुझे ब्रिगेडियर साहब काफी अफसोस हुआ, हैरत हुई, एक झटका सा भी लगा। नादरा सर एक ऐसा इदारा है जो हम समझते थे कि बहुत ही ज्यादा वेल इक्विप्ड है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा डेटाबेस उसके पास है, हर पाकिस्तानी की डिटेल्स उसके पास हैं। सर खबर ये आई है कि नादरा के अंदर एक डेटा लीक स्कैंडल हुआ है जिसमें जो डेटा है वो मुल्तान से पिशावर पहुंचा है, पिशावर से दुबई पहुंचा है। सर इस तरह तो ये भी खबर हम पहले देख चुके हैं कि डार्क वेब के ऊपर 2 करोड़ पाकिस्तानियों का डेटा बिक रहा है, तो सर ये हम कहां रहते हैं ब्रिगेडियर साहब? यहां तो वी नॉट सेफ अगर इस तरह हमारा डेटा निकलता रहेगा। सर बात आपकी ठीक है, अनफॉर्चुनेट, अगर आपको याद हो इससे पहले भी फॉर्मर आर्मी चीफ के मुताबिक भी एक खबर आई थी, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हुई, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, बट ये लोग कुछ प्लांटेड होते हैं, कुछ बिक जाते हैं और इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बट इस तरह के जब इंसिडेंट हो तो जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को कैफरे किरदार तक हम नहीं पहुंचाएंगे, दूसरों को ये लेसन कभी भी नहीं मिलेगा और इस तरह की चीजें होती रहेंगी। मैं आपके पास इत्तफाक करता हूँ, एक इंसिडेंट हो गया, एक वाकया हो गया, उसको सीरियस लेना चाहिए और उसको एंड तक ले जाना चाहिए और तहकीकात से और उसके आउटकम से अवाम को बताना चाहिए ताकि लोगों का ट्रस्ट हो इन अदारों के ऊपर, बिकॉज ये बड़े इंपॉर्टेंट अदारे हैं और अगर इन पर ट्रस्ट नहीं होगा तो हर पाकिस्तानी पर अनसेफ फील करता है। एक इंसिडेंट हो गया लेकिन आइंदा नहीं होना जो तभी नहीं होगा जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और लोगों को उसकी करार वाकई सजा मिलेगी और उसकी अब जो फाइंडिंग्स हैं शेयर करेंगे लोगों के साथ, बिकॉज आजकल के जमाने में इंफॉर्मेशन शेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब लोगों को आज अंधेरे में नहीं रख सकते, बिकॉज पीपल क्वेश्चन, आज लोग क्वेश्चन करते हैं जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैं आपके पास इत्तफाक करता हूँ कि इस तरह के इश्यूज के ऊपर अभी गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे जाहिर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, बिकॉज रवायती तरीके से अभी हुकूमतें नहीं चल सकती, टाइम्स हैव चेंज, और यही उस टाइम की सबसे बड़ी निशानी है कि आप मीडिया के ऊपर बैठ के इस तरह के ओपन क्वेश्चन कर रहे हैं विद ए पॉजिटिव इंटेंट कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए। अब ये भी हम जानते हैं ब्रिगेडियर साहब के मुल्क की मईशत बहुत इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। सर हम ये भी जानते हैं कि सर हमारी जब अस्करी क्यादत ने कमान संभाली थी तो उस वक्त अहद किया था कि मुल्क के मुआशी हालात भी सियासी सब कुछ स्टेबलाइज किया जाएगा, और मुझे याद है सर ईरानी तेल के ऊपर बड़ा शोर मचाया गया था। आज भी ये खबर लगी है ब्रिगेडियर साहब के यौमिया रोजाना 4,000 मेट्रिक टन तेल जो है डेली आता है सर, महाना
हम 3,56,00,000 डॉलर्स का हमें नुकसान है, यानी 3,56,00,000 डॉलर्स का हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, यानी जो बिजनेस हो रहा है वो 15-20 करोड़ डॉलर्स का हो रहा होगा, जिसकी वजह से इतना टैक्स हम नहीं ले रहे हैं। सर, हम क्यों नहीं बलूचिस्तान से स्मगलिंग का खात्मा कर पाए, रानी तेल को रोक पाए, ना हम वो स्टेबिलिटी ला पाए जिसकी हम तवक्को रख रहे थे स्मगलिंग के रुकने से? ब्रिगेडियर साहब, मैं अनदर पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट इशू उठाया, ईरानी स्मगल्ड चीजें आइटम जिसमें तेल ज्यादा सर फहरिस्त है, ये आज का इशू नहीं है, बहुत पुराना है, बट इसको इस वजह से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये बहुत पुराना है। हमारा जो बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए, और खास तौर पे जब से ये बॉर्डर पे फेंसिंग अभी ईरानियन बॉर्डर पे पूरी कंप्लीट नहीं हुई, इस पे जो सिक्योरिटी अदारे हैं जो वहां पर मामूर हैं, ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, बिकॉज ये सिर्फ मैशत की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गैप है, और जब तक ये गैप आप कवर नहीं करेंगे उस वक्त तक एज अ स्टेट आपकी वायबिलिटी वो नहीं रहती। तो मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम नाउ, और इसके ऊपर जितने भी जिम्मेदार लोग हैं इसको, और इसको अभी कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं रहा, बिकॉज इस तरह के आपके सर्विलेंस के इक्विपमेंट है, इतनी आपका बॉर्डर इतना हैवीली मैंड है, पहले ये बॉर्डर इतना हैवीली मैंड नहीं होता था, बट बलूचिस्तान में जब से ये नाम निहाद किस्म का एक अलहदगी पसंद की कोई छोटी मोटी तहरीक इंडिया के कहने पर चल रही है, उसके बाद ईरानियन बॉर्डर भी बड़ा बैंड हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और देनी पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट बिल्कुल देगी, बिकॉज आपने जो पॉइंट उठाया है, मईशत तो है ही है, मईशत के अलावा इसके ऊपर कंट्री की बहुत सारी चीजें एट स्टेक है, और इसको आपको अभी बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को स्पेशली सपोर्टेड बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन चीजों को कंट्रोल करना वक्त की अहम जरूरत है। थैंक यू ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जी ब्रिगेडियर साहब असांखे बुधाइन पिया कि स्मगलिंग के हाणे रोकण तमाम जरूरी आहे, छो जे करे IMF चयो आहे कि जेतिरा बि रिटेलर्स ऐं होलसेलर्स आहिनि सभिनी खे